हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि अपन स्मार्ट टीवी को रिचार्ज कैसे करते हैं, अपना जो भी सेटअप बॉक्स होता है, चाहे वो डिश टीवी हो, एयरटेल हो या फिर टाटा स्काई हो, उसको रिचार्ज कैसे करते हैं अपने मोबाइल ऐप, जैसे कि या फ़ोनपे हुआ या पेटीएम से हुआ, तो कैसे रिचार्ज करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि ये भी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है गाइज। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि अपने को, मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं कि यार हमारा टीवी का रिचार्ज कर दो, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो अपने सेल्फ अपने फ़ोन से, अपने स्मार्टफोन से ये रिचार्ज कर पाए। तो अपन टीवी के स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आप रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे क्यूआर कोड से स्कैन करके रिचार्ज कर सकते हैं, और कैसे आप उसमें जो भी आपकी सब्सक्राइबर आईडी यानी कि जो भी नंबर दिए हुए उससे कैसे रिचार्ज कर सकते हैं अपने पेटीएम से, तो वो अपन देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, एंड तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, सीधा सटीक पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, अब आ गए हम टीवी स्क्रीन पर। सो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो, अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पे डीएक्टिवेट लिखा होगा, और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप रिचार्ज करें तो अपना सेटअप बॉक्स ऑन होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि येलो बटन से मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मेन्यू खुल गया, जहाँ पे ऊपर देख सकते हो अकाउंट स्टेटस लिखा हुआ है और नीचे मोबाइल नंबर अपडेट का भी लिखा हुआ है। तो इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे सब्सक्राइबर आईडी आपको यहाँ से मिल जाती है, बॉक्स आईडी मिल जाती है, यहाँ पे बॉक्स ओटीपी मिल जाता है आपको। तो ये अकाउंट स्टेटस के लिए आपको एंटर दबाना है, तो रिमोट से एंटर दबाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिचार्ज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ होगा, सब्सक्राइबर आईडी आपको मिल जाएगी और नीचे यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा, जिसके पास में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी आप जैसे फ़ोनपे हो या फिर कोई भी अलग हो, पेटीएम हो, तो उससे आप रिचार्ज कर सकते हो। सो उससे रिचार्ज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे स्कैन करते हैं, तो वो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइज, अब आ गए अपन मोबाइल स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हो कि नीचे डीटीएच रिचार्ज ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे ऐड न्यू लिखा होता है, ये प्लस का बटन नीचे दिया हुआ है। जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे अपन, यहाँ पे अपने को जो भी ऑपरेटर अपने टाटा स्काई ये या एयरटेल या डिश टीवी जो भी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर आईडी नंबर जो कि टीवी के अंदर आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि मैंने वीडियो से पहले बताया था आपको, सो यहाँ पे डाल के प्रोसीड कर देंगे। या फिर यहाँ पे चेंज करना सा तो ऑपरेटर चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैन एंड पे लिखा होता है, इस पर क्लिक करके अपन टीवी के क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं, और यहाँ डायरेक्टली आप यहाँ पे जो भी आपका रिचार्ज अमाउंट है यहाँ पे डाल के आप प्रोसीड करके बैंक से पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल है। सो गाइज, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना गाइज, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि गाइज लाइफ टेक और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।